हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलिमा, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 2021 और द बिग पिक्चर्स जो कलर टीवी पे आने वाला है उसके पिक्चर रिलेटेड जीके क्वेश्चंस। ये जो सारे जो क्वेश्चंस हैं ये पिक्चर रिलेटेड हैं, तो आप ध्यान से देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ओलंपिक्स है, एशियन गेम्स है, इस पर भी जो है वो मैं वीडियोस बनाऊंगी, तो आप जो है वीडियो जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर वन है, इन विच स्टेट यू विल फाइंड दिस साइन, आपको यह चिन्ह किस राज्य में मिलेगा। ये देखिए, असम, गुजरात या राजस्थान। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है बी, गुजरात। ये गिर नेशनल फॉरेस्ट जो कि नेचुरल हैबिटेट है एशियाटिक लायंस का। क्वेश्चन नंबर टू, आइडेंटिफाई द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, किस संगठन के मुख्यालय है ये, इसकी पहचान कीजिए। ये देखिए, तो ये है इसरो, DRDO, सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो इसका जो आंसर है वो है ए, इसरो का हेडक्वार्टर है जो कि बेंगलोर में है और उसका नाम है अंतरिक्ष भवन, ठीक है। ये जो है ये अंतरिक्ष भवन है बेंगलोर में, इसरो का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर थ्री, दिस मार्शल आर्ट थांग टा इज फ्रॉम विच स्टेट, यह मार्शल आर्ट थांग टा किस राज्य से है। ये देखिए, ये एक मार्शल आर्ट है और ये किस राज्य से है, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, मणिपुर का है, थांगटा। मणिपुर मार्शल आर्ट को थांगटा मतलब तलवार और भाला कहा जाता है, यह युद्ध कौशल और पूजा के लिए समर्पित है, तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, विच इंडियन फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड हियर, यह कौन सा भारतीय त्यौहार मनाया जा रहा है ये आपको पहचानना है। ये देखिए, यह है कार्तिक पूर्णिमा, छठ पूजा या करवा चौथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, छठ पूजा, जो बिहार का बहुत ही मेन फेस्टिवल है। छठ एक प्राचीन हिंदू वैदिक त्यौहार है जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है, विशेष रूप से भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य क्षेत्र। छठ पूजा सूर्य देवता सूर्य को समर्पित है ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन के लिए उपहार देने और कुछ इच्छाओं को पूरा करने का अनुरोध करने के लिए धन्यवाद दिया जा सके। यह त्यौहार बिहारियों और नेपाली द्वारा अपने प्रवासी भारतीयों के साथ मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, द सीक्वेंस फीचरिंग द सॉन्ग आज फिर जीने की तमन्ना है फ्रॉम द मूवी गाइड वॉज शॉट इन विच फेमस फोर्ट, आज फिर जीने की तमन्ना है गाने वाला सीक्वेंस किस प्रसिद्ध किले में शूट किया गया है, जो कि मूवी गाइड से है। ये देखिए, ये है वहीदा रहमान, ये मूवी गाइड से है और जो सॉन्ग है आज फिर जीने की तमन्ना है, तो ये किस फोर्ट पे लिया गया है। ऑप्शंस है चित्तौड़ फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट या जैसलमेर फोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है चित्तौड़ फोर्ट। आज फिर जीने की तमन्ना है गाने वाले सीक्वेंस को राजस्थान के चित्तौड़ किले में शूट किया गया था। फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग अहमदाबाद से 90 किलोमीटर दूर लिम्बड़ी शहर में भोगावो नदी पर हुई थी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जवाहरलाल नेहरू इज टॉकिंग टू विच एक्ट्रेस एंड सिंगर, जवाहरलाल नेहरू किस अभिनेत्री और गायिका से बात कर रहे हैं। ये देखिए, तो ये ऑप्शन है नरगिस, सुरैया या निम्मी।
तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है बी सुरैया। क्वेश्चन नंबर 7, दिस फोटो इज ऑफ विच कम्युनिटी ट्रेडिशनल वेडिंग, यह तस्वीर किस समुदाय की पारंपरिक शादी की है, ये देखिए। क्रिश्चियन, पारसी या कश्मीरी, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पारसी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल हेडक्वार्टर इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में गूगल मुख्यालय का क्या नाम है, ये देखिए, ये जो है ये गूगल हेडक्वार्टर है जो कि कैलिफोर्निया में है और ये इसका एरियल व्यू है। कई बार एरियल व्यू भी दिखा सकता है और पूछ सकते हैं कि ये क्या है, इसकी पहचान कीजिए, इसलिए मैंने ये जो फ़ोटो है इंक्लूड किया है, तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए। तो ये है रेडमोंड कैंपस, गूगलप्लेक्स या अल्फाप्लेक्स, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी गूगलप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द पर्सन बिसाइड जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बगल में जो व्यक्ति खड़े हैं आपको पहचान करने की वो कौन है, ये देखिए, आपको पहचान करना है कि ये जो है पर्सन वो कौन है। तो ऑप्शंस रख रही हूँ, वी के कृष्ण मेनन, वी पी मेनन या ब्रिज मोहन कौल, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए वी के कृष्ण मेनन। ये देखिए इनका पोस्टेज स्टैम्प भी है। वेंगलील कृष्ण कुरूप कृष्ण मेनन एक भारतीय राजनीतिक, गैर करियर राजनीयक और राष्ट्रवादी थे, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट एल्बम यू विल फाइंड दिस इमेज, यह चित्र आपको किस राज्य के प्रतीक चिन्ह में मिलेगा, स्टेट एम्बलम, ठीक है, ये किस में मिलेगा आपको, किस स्टेट के राष्ट्र जो है एम्बलम में मिलेगा, महाराष्ट्र, केरला या कर्नाटक, तो इसका जो सही आंसर है ये है बी केरला, जो कि ये पंचजन्य शंख है, ये देखिए, ये है स्टेट एम्बलम ऑफ केरला, गवर्नमेंट ऑफ केरला, और इसमें आप देख सक रहे होंगे कि ये जो शंख है। क्वेश्चन नंबर 11, ये ध्यान से सुनिए, शिवा शंकरन वॉज पॉपुलरली नोन एज चंदा मामा शंकर फॉर हिज इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द इंडियन मैगजीन चंदा मामा, ही वॉज द आर्टिस्ट बिहाइंड द सिग्नेचर पेंटिंग ऑफ विच पॉपुलर कॉमिक सीरीज, भारतीय पत्रिका चंदा मामा में उनके अमूल्य योगदान के लिए शिव शंकरन को लोकप्रिय रूप से चंदा मामा शंकर के नाम से जाना जाता था, वह किस लोकप्रिय हास्य श्रृंखला की सिग्नेचर पेंटिंग के पीछे कलाकार थे, ये देखिए, चाचा चौधरी, बाकेलाल या विक्रम बेताल, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी विक्रम बेताल, ठीक है, विक्रम बेताल इज द करेक्ट आंसर, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द मूवी, आपको मूवी आइडेंटिफाई करना है इस पिक्चर से, ये देखिए, ये एक पिक्चर है, आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस मूवी, चेन्नई एक्सप्रेस, थ्री इडियट्स या बजरंगी भाईजान, तो फ्रेंड्स ये आई थिंक सबको पता होगा, बहुत इजी है, तो ये है थ्री इडियट्स। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द टेम्पल, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो टेम्पल है वो कौन सा टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल, नागेश्वर टेम्पल या भीमशंकर टेम्पल, तो इसका जो सही आंसर है ये है ए सोमनाथ टेम्पल, अभी जो सोमनाथ टेम्पल है वो ये है। इतिहास के अनुसार इस मंदिर को 17 बार तोड़ा गया था, महमूद गजनी ने मंदिर पर आक्रमण किया, शिवलिंग को तोड़ा और 20 लाख दिनार चुराए जिससे मंदिर की स्थिति दयनीय हो गई थी, ठीक है, तो ये जो है ये है सोमनाथ टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 17,
दिस वाइट रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ विथ प्राइमरली अ रेड बॉर्डर ऑन थ्री साइड्स एंड रेड वोवन मोटिव्स ऑन द फोर्थ इज ऑफ विच स्टेट। कपड़े का यह सफ़ेद आयातकार टुकड़ा मुख्य रूप से तीन तरफ लाल बॉर्डर और चौथे पर लाल बुना हुआ रूपांकन किस राज्य का है? ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो इन्होंने पहना है और इन्होंने हाथ में लिया है, तो आपको बताना है उसे, वो जो है वो किस राज्य का है, असम, केरला या नागालैंड। ठीक है, असम, केरला या नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है असम। ठीक है, गामोसा, उसे क्या कहते हैं, गामोसा या गामोसा असम के मूल निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु है। यह आमतौर पर कपड़े का एक सफ़ेद आयातकार टुकड़ा होता है जिसमें मुख्य रूप से तीन तरफ लाल सीमा होती है और चौथे पर लाल बुने हुए रूपांकन होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसे बोलते हैं गोमासा, और जो कि असम का है। क्वेश्चन नंबर 15, दिस फुटबॉल स्टेडियम इन इंडिया इज नेम ऑफ विच फेमस फुटबॉलर। भारत का यह फुटबॉल स्टेडियम किस प्रसिद्ध फुटबॉलर के नाम पर रखा गया है? ये देखिए, ये एक फुटबॉल स्टेडियम है जो कि एक फेमस फुटबॉलर के नाम से रखा गया है। ये देखिए, तो ये सुनील छेत्री, बैचिंग भुटिया या आई एम विजयन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, बैचिंग भुटिया स्टेडियम। ठीक है, उनके नाम से रखा है, बैचुंग भुटिया के नाम से। बैचुंग स्टेडियम भारत के सिक्किम राज्य में दक्षिण सिक्किम जिले के जिला मुख्यालय नामची में एक फुटबॉल स्टेडियम है। स्टेडियम भारत के सबसे प्रसिद्ध समकालीन फुटबॉलर बैचुंग भुटिया के सम्मान में बनाया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा, ये जो है सिक्किम में है और जो कि इसका नाम क्या है, बैचुंग भुटिया स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 16, ये इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका जो आंसर है वो आपको गेस करके कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, इट इज़ फॉर यू। इस जो नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको जो है वो आंसर बताऊंगी। आइडेंटिफाई द एक्टर, ये बहुत ही सिंपल है, आई थिंक इसमें ऑप्शंस भी मुझे नहीं देने चाहिए थे। तो ये जो है आपको आइडेंटिफाई करना है, अनिल कपूर, रणवीर सिंह या शाहरुख खान। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही जीके रिलेटेड वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, थैंक यू।